तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब को सूबा बनाने से मुतालिक आईनी तरमीम पेश करेगी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के साथ है या नहीं हकीकत सामने आ जाएगी वज़ीर आजम इमरान खान का मेलसी में जलसे से सफिता कोरोना के बायस दुनिया में रिकॉर्ड महंगाई के बावजूद आवाम को रिलीफ दिया एफबीआर की शानदार कारदगी की बदौलत रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ जिसका बरह फायदा पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम करके आवाम को मुंतकिल किया लंदन में बैठे भगोड़े का पैसा वापस ले आया तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आधी कर दूंगा वजीर आजम इमरान खान तहरीक इंसाफ की अवामी रहिम जलसागा पहुँचने आरोप वजी आजम इमरान खान का पुरतपा के इस्तकबाद आवाम का गैर मामूली जोशो खरोश पी टी आई फरारों और मिलनी नफमों ने माहौल गरमा दियान की दम एतमाद वाली बातों में कोई दम नहीं पहले वजे अजम और अब स्पीकर के खिलाफ ही शौक पूरा करने नाकामी से दो चार होंगे मैदान है और घोड़ा भी उम्मीद है हुकूमत नहीं मुल्क को लूटने वाले दबाव में नजर आते हैं एन आर ओ की मतलाशी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जरदार की करप्शन बचाव मुहिम आरोप निकलने वाले बिलावल नामुराद लौटेंगे वो अपने खसूस डॉक्टर शहबाज के तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्ज आखिरी मरहले में दाखिल सिंध के आवाम को जुल्म बरबरीत से निजात दिलाने और जाबर हुक्मरानों के खिलाफ कलमा हक बुलंद करते हुए काफिला आज कराची पहुंचेगा मरकजी कदन अवामी इजतम से खिताब करेंगे सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के तवील और जाविराना अहम से आज ही चुके तीर ने पूरे सिंध को जख्मी किया तीर को तोड़ोगे तो सिंध को जोड़ोगे

असल न्यूज स्टूडियो खुशाम मैं हूं शाहिद नसीम, मैं हूं सदरफ अली खान इन हेडलाइंस आप जान चुके खबरों की तफीर शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा नाजीन आपको बताते चलें कि वजी आजम इमरान खान ने जुनूब पंजाब की तरक्की के लिए मजदीद पांच सौ अरब रुपये खर्च करने का ऐलान किया है मेलसी में जलसे खिताब करते हुए वजी अजम इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब को सूबा बनाने से मुझे आईनी तरमीम पेश करेगी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जुनूबी पंजाब के साथ है या नहीं हकीकत सामने आ जाएगी जुनूबी पंजाब के लिए पांच सौ अरब रुपया मजीद खर्च करेंगे सला किया है कि हम नेशनल असेंबली में साउथ पंजाब की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख देंगे कि साउथ पंजाब का सूबा बनना चाहिए अब हम देखेंगे कि क्या ये पीपल्स पार्टी और नून लीग आप तो बड़ी देर से लोगों को वादा कर रहे हैं जुनू पंजाब का क्या आप हमारी हिमात करेंगे या नहीं अब आपके सामने आ जाएगा वजीरजम ने कहा कि कोरोना के बायस दुनिया में रिकॉर्ड महंगाई के बावजूद आवाम को रिलीफ दिया गया है एफ बी आर की शानदार कारकर्दगी की बदौलत रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ जिसका बरह रास्त फायदा पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम करके आवाम को मुंतकिल किया उन्होंने कहा कि लंदन में बैठे भगोड़े का पैसा वापस ले आया तो पेट्रोल और की खिताब आज था एक तो बड़ा ज्यादा बहुत बड़ी तादाद आवाम की थी जिसको देख के वजीर आजम का जोश मजीद भी बढ़ गया और उन्होंने न सिर्फ ये अपोजिशन के हवाले से बड़ी वाजे बातचीत की उन्होंने कहा कि फजल रहमान और जो दीगर जो सियासतदान है वो चोरों के टोले हैं और उनके होते हुए ना तो यहाँ यहूदी साजिश की जरूरत है और उनका ये भी कहना था कि सियासत जो है वो पाकिस्तान में पिछले पैंतीस साल के दौरान उसने मुल्क को उस स्टेज पर ले आया कि पाकिस्तान इस वक्त बरे सगीर का वो मुल्क था जो सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था उन्नीस सौ साठ तक उसके बाद इनकी मिली भगत के साथ ये मुल्क जो है वो पीछे जाना शुरू हो गया वजीर अजम ने जुनूबी पंजाब के हवाले से भी बात की कि जनूबी पंजाब जो है वो मसलसल उसको इग्नोर किया गया और हमारी हुकूमत ने ना सिर्फ उसको पैकेज दिया बल्कि आज भी उन्होंने पाँच सौ अरब रुपए के मजीद पैकेज का भी ऐलान किया और जो दीगर जमातों की तरफ से सिर्फ वादा किया जाता था जनूबी पंजाब को एक सूबा बनाने का तो वजीर अजम ने कहा कि वो इस हवाले से बिल जो है वो आइनी बिल जो है वो कौमी असम्बली में पेश करेंगे और देखेंगे कि अपोजिशन की जमातें जो दावेदार थी जुनूबी पंजाब को हक देने की वो इसमें इसकी हमायत करती हैं या नहीं करती तो आज उनकी तकरीर के मुख्तिक पहलु पहलू थे जिसमें इंटरनेशनल इशूज़ के ऊपर भी उन्होंने खुल के बात की और पाकिस्तान में इस वक्त जो टैक्स के हवाले से जो सूरत हाल है कोरोना के बाद महंगाई की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी बातचीत की तो वजीर आजम आज बड़े पुरतम नजर आए और उनका जो खिताब था उसमें उन्होंने तमाम जो पहलू हैं उनका अहाता किया जी सही हमने इससे पहले भी देखा कि तहरीक अदम एहतम की कुछ बातें गर्दिश कर रही थी लेकिन आज वजी आजम जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत पूरा अहतमान नजर आया और अगर हम ये बात भी करें कि आज विफाखी गुजर की बहुत बड़ी तादाद थी जो स्टेज पर बराजमान थी वज़र अजम इमरान खान के हमरा थी और लोगों का एक जमे गफ़ी भी मौजूद था नारे जिस किस्म से लग रहे थे जितनी बुलंद आवाज थी जितना चार्ज ऑफ क्राउड था उससे ये बात साबित होती है कि वज़ी अजम इमरान खान की मकबूलीत में कोई कमी नहीं हुई बल्कि इसमें जो है वो ज़्यादती ही हुई है क्या कहेंगे इस हवाले से आप नहीं बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि वजी अजम इमरान खान पाकिस्तान के उन कायदों में शामिल है कायदीन में शामिल हैं जिनकी आवाम के अंदर एक अपनी मकबूलियत भी है और लोग पार्टी से हट के भी उनके जो नजरिया है वो ये समझते हैं कि मुल्क को पाकिस्तान को अगर कोई पॉजिटिव सिमत में आगे लेके जा सकता है कोई किसी लीडर में उस चीज़ की सलाहियत है तो वजी अजम इमरान खान है जो ना सिर्फ ये किम आलम में जब किसी फोरम पर भी खड़े होते हैं दुनिया की आंखों में आंखें मल्ला के बात करते हैं बल्कि उनका जो किरदार है उनका जो माजी है वो इस बात का आकाश है कि वो एक अपराइट और एक सच्चे लीडर हैं जो हर बात जो है वो जो उनके दिल में है वो उनकी जबान पे है लोग उनकी सच्चाई को उनकी सच्चाई को भी समझते हैं और सियासी मुखालफन की बातों के बावजूद आवाम जो है वो उन पर भरपूर एतमाद करती हैं और आज हमें वही माहौल नजर आया जो लाहौर में किसी जमाने में साहब के जलसे में खिताब के हवाले से बताया कि आज भी उनकी मकबूलियत किसी हवाले से कम नहीं हुआ और आवाम के अंदर वो मकबूल तरीन लीडर है के पास, अपने के पास हाजिर हुआ वजीर अजम साहब की तरफ से भी पूरी कौम की तरफ़ से और का एक वफ़्त जो है सुबह पंजाब से भी और इस्लामाबाद से भी फिर आर वाही साहब अलामा मिसरी साहब आप इनको जानते हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं पहली बात तो ये है कि जो ये बरबरीत है ये किसी एक मस्जिद का मामला नहीं है किसी एक मकतबा फिक्र का मामला नहीं है ये मेरा भी खून है ये इनका खून नहीं है ये मेरा खून है ये पाकिस्तानी थे इनका जुर्म क्या था कि ये अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हुए अल्लाह के आगे सजदा रेस थे ये रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम उनकी आल और उनके इस के ऊपर दरुद पढ़ने वाले थे और वो हमारा भाई जो इस इमाम और खतीब वो इंतहाई नफीस शख्स सफीर अमन जो था जिसने इस शहर में नहीं इस मुख के अंदर हमेशा अमन की बात को तरजीह दी ये निशाना बनाने वाले जान लें कि हमने कुर्बानी देनी सीखी है और ये कुर्बानी देना हमें रसूल अलैहि वसल्लम और उनके घराने और उनके अहाब से मिला है हम हुसैनी हैं और हमें हुसैनी होने पर फख्र है और यजीद का काम खून बहाना होता है हुसैन का काम खून दे के अकबर की सदा को बुलंद करना होता है और ये इससे हम घबराने वाले नहीं हैं ये हमारा वतन है इस वतन के लिए जितने भी कुर्बानी आज से पहले आप देखिए अस्सी की दहाई नब्बे की दहाई नाइन अलेवन के बाद आज तक उलामा का 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 मसाजिद इमाम बारगाहे चर्च पार्के आपका पिशावर जो फूलों का शहर है ये जिस तरह लहू लुहान हुआ लेकिन अभी मैं आ रहा था तो मैं अलावा साहब से कह रहा था कि पिशावर के लोग बड़े बहादुर हैं कोई खौफ नहीं है क्यों हम डरने वाले नहीं हैं हम अपने अल्लाह एक अल्लाह के मानने वाले हैं और रसूल अलैहि सब और उनके अहल बैत के मानने वाले हैं और ये हमारा वतन है ये जो बरबरीत और वैशत जिन लोगों ने की है जैसा कि आपको कल वज़ी दाखिला साहब ने भी बताया है कि इन हम उनके करीब हैं वो अपने इंजाम को पहुंचेंगे और आप देखें इससे पहले एक पादरी साहब को निशाना बनाया गया उससे पहले एक अहल हदीस आलम को निशाना बनाया गया ये क्या चाहते हैं ये इस मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं लेकिन मैं उन्हें आज यहां से पैगाम देना चाहता हूं कि हम ये हैं हम इकट्ठे खड़े हैं हमारी जाने हमारा माल हमारी औलाद सब कुछ अपने दीन और अपने वतन के लिए कुर्बान है और ये जो इंतजार फैलाने वाले हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर जो हिंदुस्तान से और इधर उधर से कि याद रखो ये खून सुर्ख है और ये हम सब का खून है मैं गुजारिश करूंगा अलामा से कि वो चंद जो है वो फरमाए फिर नाजी नुमाइंदा खुदा ताहिर महमूद शफी पिशावर में मीडिया से गुफ्तु कर रहे थे उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी की ये कार्रवाइया हमारे आजम को कमजोर नहीं कर सकती राजन इस वक्त इस्लामाबाद और इसके गिरदवाह में आजार मगरब का वक्त हुआ है शादत हासिल कीजिए أشهد أن لا إلا اشهد ان इलाकों को तरक्की के धारे में लाने का हुकूमत जुनूबी पंजाब की तरक्की पर खूसी तो दे रही है इसी पॉलिसी के तहत विहाड़ी में सत्रह अरब रुपए मालियत के एक सौ सत्तर तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा माजी में बिहाड़ी जैसे पसमानदा इजलाक को तरक्याती कामों के हवाले से यकसर नजरअंदाज किया गया मौजूदा हुकूमत ने दूर रफ्तादा और कम तरक् याफ्तर इलाकों की पसमानदगी दूर करने के अमली इकदाम का आगाज कर रखा है जिला बिहाड़ी में जारी सत्रह अरब रुपए के तमीराती मनसूबों में इंफ्रास्ट्रक्चर तोहत और तालीम के शबों की बेहतरी के इंकलाबी मनसूबे शामिल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बहुत शुक्र गुजार हैं की उन्होंने बिहाड़ी में बहुत अच्छे मनसूबे शुरू किए उनकी वजह से आम आदमी का मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो रहा है हम वजी अजम इमरान खां के बहुत शुक्र गुज़ार हैं जिन्होंने बिहाड़ी में नए तरक़िया मनसूबे शुरू करके बिहाड़ी को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं पहले बाहर सोना पड़ता था कि किसी प्लाट में मतलब नीचे कहीं अब उन्होंने माशा हमें बहुत ज़्यादा सहूलियात दी हैं हर बंदे के लिए जो सेहत कार्ड के उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके सम्राट बिल्कुल आम आदमी तक पहुंच रहे हैं तीन अरब चवालीस करोड़ रुपए की लागत के शाहरा के सताईस में से बेष्टर का काम मुकम्मल हो चुका है पच्चीस करोड़ रुपए की लागत से लुडन झालसियाल और शेख फाजिल में पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं सत्रह करोड़ रुपए की लागत से फ्राह्मी और नकासी आपके सात मनसूबों पर काम जारी है डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल की अपग्रेडेशन खसूसी तालीम की इमारत और टिब्बा सुल्तानपुर में ट्रामा सेंटर के मनसूबों पर एक अरब रुपए लागत आएगी विहाड़ी के चार स्कूलों

चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वजर अजम इमरान खान इस्लामी वज्र खारजे की कॉन्फ्रेंस के बाद अहम दौरे करेंगे वजर अजमी राबता मुहिम में मसरूफ हैं जबकि उनके सियासी हुकूमत को अदम इस्तकाम से दो चार करने की लिए कोशा है अपोजिशन ऐसा क्यों कर रही है जानते हैं इस रिपोर्ट में नाजन तहरीक इंसाफ की हुकूमत एहसास प्रोग्राम के तहत तो गरीब तबके को रिलीफ देने और दीगर आवा दोस्त पॉलिसियां मुतारफ़ कराने में मसरूफ है मगर एन उस वक्त साजिशों का जाल फैला दिया गया अवाम ने सवाल उठाया है कि ऑपोजीशन मुंतब वजी अजम को मुकर्रा मुद्दत पूरी होने से कबल क्यों हटाना चाहती है बादश समझते हैं कि करप्शन के इल्जाम में लुथड़ी अपोजीशन अपने आप को बचाने के लिए इमरान खान को हटाने की नाकाम कोशिशें कर रही है अपोजिशन पहले जवाब दे कि इसके पास आवाम और मुल्क को दरपेश मसाइल का ऐसा क्या हल है जो मौजूदा भी तैयार नहीं कि खान से पहले छोड़ें। समझते हैं कि इस बेखिलाफ एहतसाब से बचने के लिए हाथ पांव मार रही है आदम एतम की खोखली धमकियां ब्लैक मेलिंग की नाकाम कोशिश के सिवा कुछ नहीं अपोजिशन इस मामले में खुद क्लियर है और न इनमें आइंदा लाहेमल पर इतफाक है ये सिर्फ मुल्क को अनारकी की जानब ले जाना चाहते हैं सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट को खसूस मेडिकल बोर्ड की सिफारिशा नजरअंदाज करने मफलूज मुलाजमीन को मेडिकल बुनियादों पर रिटायर न करने पर इंक्वायरी की हिदायत की है ने पाकिस्तान पोस्ट के मफलूज मुलाजिम की तबी हालत पर गौर करने में नाकामी पर अफसोस का इजहार करते हुए दिया कि पोस्ट अपने अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी करे और पैंतालीस रोज में रिपोर्ट वी महतब को जमा कराये सदर आरिफ अलवी ने कहा कि इतनी बदकस्मत है की महकमे ने हमदर्दी का मुजाहरा करने के बजाय इस मामले में हट धरने और मज़ात का मुजाहरा किया और महकमा अपने ही मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर अमल करने में नाकाम रहा सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जहां हमदर्दी और कानून की बालादस्ती हो तफसलत के मुताबिक कादिर बख्श भट्टी पोस्टमार्टर पनोकल के तौर पर ख़िदमत अंजाम दे रहे थे दौरान सर्विस दो ब्रेन स्टोक की वजह से फालिज का शिकार हुए उन्होंने पाकिस्तान पोस्ट से मेडिकल बुनियादों पर रिटायरमेंट देने की दरखास्त की थी खसूस मेडिकल बोर्ड के तमाम मेबरान ने भी मुतफ़ा तौर पर कादिर बख्श को मेडिकल बुनियादों पर रिटायरमेंट देने की सिफारिश की पाकिस्तान पोस्ट ने कादिर बबल का के, के लिए कादिर बश के बेटे ने विफाब से रहा मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर अमल दरामद करने को कहा पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने मोहतिब के हुक्म के खिलाफ सदर के पास एक दरख्वा दायर की थी सदर ममलिकत ने अपने ही बोर्ड की सिफारिश नजरअंदाज करने पर इस बरहमी किया उन्होंने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का अमल गैर मुनफाना गैर माखूल और बद इंतजामी करार दिया चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि मैंने कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा अपोजिशन रहनुमा खुर्शीद शाह के बयान पर अपने रद्दअमल में वजी अतलात का कहना था कि चले स्पीकर के खिलाफ भी ला कर दिखाएं मैदान भी है और घोड़ा भी अब यह ना कहना की इम्पायर न्यूट्रल नहीं तो हमसे यह भी नहीं हो पाएगा दूसरी जाने वजर नवास्ला मुराद सईद ने कहा कि तो बरस वजीर इमरान खान ने दुरुस्त फैसले किए उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन अपनी करप्शन को छुपाने के लिए यज्जा हुई है जब से ये हुआ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हल्फ लिया पहले दिन से ये तमाम जो आचार पार्टियां हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए एक हो गए और आ, हर मौके पे ये कहते हैं कि हुकूमत जाने वाली है ये बिल पास नहीं होगा तो मैं इतना कहूँगा कि साढ़े तीन साल में हमने बारहा ये सर्कस देखा चाहे सियासी मैदान हो चाहे पार्लिमानी मैदान हो दोनों में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कारकुनों ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनको पार्लीमान के अंदर और पार्लीमान के बाहर सियासी और पार्लीमानी पार्लीमानी मैदान में शिकस्त से दो चार किया वजर अजम इमरान खान के विजन के मुताबिक वजर अली की हिदायत पर पंजाब के पसमानदा इलाकों को तरक्की की राह पर गामजन करने के अमली इकदाम जारी हैं खिते के तीन सौ अरब रुपए से जायद के सैकड़ों जारी मनसूबों में बेशतर तकमील के आखिरी मराहल में हैं देखते हैं शिराज दुरानी की यह रिपोर्ट वजीर अजम इमरान खान ने इंत मुहिम के दौरान जनूबी पंजाब के आवाम से खत्े की पसमानदगी दूर करने और ज़िंदगी में बेहतरी लाने का वादा किया था मुल्क को दरपेश दीगर मसाइल से नब्रद आजमा होने के साथ साथ इस वादे को पूरा करते हुए वजी अजम के विजन के मुताबिक वजीर सरदार उस्मान बुजार ने सूबे की तारीख में पहली बार खत्े के लिए एक सौ नबे अरब रुपये का अलहदा तरक्याती बजट असम्बली से न सिर्फ मंजूर कराया बल्कि अजला में तकसीम भी कर दिया मुल्तान में नौ अरब रुपये का निश्तर टू हस्पताल हो या छः अरब रुपये का जच्चा बच्चा हस्पताल राज में बेहतरी के दर्जन भर मनसूबे तकमील के मुख्तलिरा साउथ पंजाब में होने वाले तमाम के हवाले ऐसी वजी अजम इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ की उन्होंने साउथ पंजाब में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू कर रखे है तो इससे आवाम को काफी फायदा हो रहा है आराम कर लेते हैं रात अच्छी तरह गुजार लेते हैं ये बहुत अच्छा इंतजाम है वजीर अला का मेहरबानी शोबे तालीम में इंकलाबी असलाहत के तहत अला तालीम के फरूग के लिए लिया और राजनपुर में जामियात और अहमद पश्रकिया में इस्लामी यूनिवर्सिटी के सब कैंपस के तमीराती मनसूबे इब्तदाई मरहल में हैं डेरा गजी खान से मुल्तान तक कौमी शाहरा कामीराती मनसूबा पहले ही मुकम्मल हो चुका है लोधरा से मुल्तान तक कौमी शाहरा के मनसूबे पर काम तेजी से जारी है जनूबी पंजाब के तमाम आवाम को सेहत का निजाम से मुंसलिक कर दिया गया है इलाके के तमाम सेहत के मरकज और ताली इदारों की तोानाई जरूरियात को पूरा करने के लिए उन्हें शमसी पैनल पर मुंतकिल किया जा रहा है हर शहर के हस्पताल रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों के करीब पनह गाँहों और लंगर खानों का मौसर निज़ाम भी कायम किया गया है मौजूदा हुकूमत ने वसायल का रुख जनूबी पंजाब जैसे पसमानदा इलाकों की तरक्की की जानब मोड़ दिया है इन मनसूबों की तकमील से आवाम के मेयर ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है शराज दुरानी पाकिस्तान टेलीविन न्यूज़ विहाड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च सिंध भर में कामयाब जलसों और अवामी इजाम के बाद आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है सिंध हुकूक मार्च का काफिला आज कराची पहुँच कर इख्त पसीर होगा सिंध भर में कामयाब जलसे करने के बाद आज हुकूक सिंध मार्च हुमशोरों पहुंचेगा जामशोरों, पहुंच जामशोरों कोटरी में कारवान का शानदार करने की तैयारियाँ जारी है वजी खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सिंध में सिलसिला जारी रहेगा सूबे के अवाम ने जो मोहब्बत दी वो काबिले दीद है। हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का खिलाब करते हुए वजी खारजा ने कहा कि सिंध के आवाम पीपल्स पार्टी से तंग आ चुके हैं तहरीक एक बेहतरीन मुतबाद के तौर पर मौजूद है वाजह हो गया सिंध की आवाम से अगर कोई जमात जिसकी लोगों के जेनों में पहचान है कोई उसका वो देखते हैं उनकी वफाकी सोच है वो अगर उनसे रजू करे तो सिंध मायल है सिंध के लोग पीपल्स पार्टी के इकतदार से थक चुके हैं मुसलसल अतदार से थक चुके हैं और वो चाहते हैं कि कोई हमारे पास एक माकूल मतबाद हो तरीके साफ़ अल्लाह के फजल करम से एक माकूल मतबाद के तौर पर अब पाकिस्तान की सियासत में नमूदार हो चुकी है विफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि सिंध के हुक्मरान अपने घरों में अयाशी कर रहे हैं जबकि आवाम खार हो रहे हैं उन्होंने कहा कि हमारी आखिरी मंजिल कराची है जो पाकिस्तान का माशी मरकज है जहां पे बड़े बड़े बंगलों में सिंध की आवाम का पैसा चोरी करके सिंध के हुक्मरान रहते हैं वो शहर है कराची जो अपने घरों में जनरेटर लगा लेते हैं अपने घरों में प्राइवेट गार्ड खड़े कर देते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं अपना और अपने घर वालों का हद तक या अपने जानवरों का इलाज भी या तो बाहर जाके कराते हैं या बाहर से डॉक्टर मंगा लेते हैं लेकिन सिंध की आवाम का खून चूस लिया मुआवन खी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है, कि नहीं बल्के लूटने वाले दबाव में है। बिलावल के बयान पर देते हुए उन्होंने कहा कि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में जमानती दबाव में है डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि ज़रदारी की सरबराही में बिलावल के नीचे सिंह के निले में है एनआरओ के मुतलाशी हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते मुआवन खसूस ने कहा कि की सरदारी साहब की करप्शन बचाव मुहिम पर निकले बिलावल नामुर लौटेंगे रटी रटाई तकरीरों से शायद बिलावल की उर्दू ही ठीक हो जाए उन्होंने कहा कि बैरूनी इकतदार तो की भीख मांगने वाले पाकिस्तान के सगे नहीं हो सकते। कुछ दीगर खबरें भी यहाँ पर शामिल करेंगे आपको बताएं कि जमात इस्लामी के सराजुल हक ने कहा है कि सियासी जमातों की आपस में लड़ाई अवाम के लिए नहीं अपने मफादात के लिए है मफादात हो तो एक हो जाते हैं वरना आपस में लड़ते हैं मोटिरी में अज़ीम सूफी बुजुर्ग आगा अब्दुलरहीम सरहंदी के उर्स के मौके पर मीडिया से गुफ्तु करते हुए उन्होंने कहा कि कराची में जरा में बेानतहा इजाफा हो चुका है और सूबाई हुकूमत अमनो अमान क़ायम करने में नाकाम हो गई है उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन अनाज से सियासी इंतजार से फ़ायदा उठाते हैं उनकी साजिश नाकाम बनाने के लिए सियासी तदबर कौमी इतिहाद और तो बर्दाश्त का रास्ता इख्तियार करना होगा खूसी इतला पंजाब हसान खाबर ने कहा कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च लकी ईरानी साकस है जो शहर शहर फिर रहा है लाहौर में महकमे सियात की जानब से खुवात के आलमी दिन के हवाले से तीन रोजा तकरीबा के आगाज के मौके पर मीडिया से गुफ्तू करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की पंजाब में कोई सपोर्ट नहीं आइंदा इलेक्शन में उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी हसान खाबर ने कहा कि अपोजीशन मुफ्त टिकट में आवाम को तफरी फराम कर रही है और मनफी सियासत कर रही है मबूुन खसूसी ने कहा कि हमारी हुकूमत के इकदाम की बदौलत अवाम को रिलीफ मिल रहा है उन्होंने कहा कि मौजूदा दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ और जर बढ़ रही तहसील मबन खूसी इतला पंजाब हसान खावर ने कहा कि तब्दीली ऐसी चीज है जिससे सब कुछ मुतासर होता है तब्दीली का मुकाबला ना करने वाले खत्म हो जाते हैं लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए मुलाजमतें लर्निंग से ही हम तब्दीली का मुकाबला कर सकते हैं नई महारतें न सीखने वाले पीछे रह जाते हैं हसान खावर ने कहा की कोरोना ने पूरी दुनिया को मुता डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया उन्होंने कहामार मुल्क के माशी मरकज में होता है जो आदम तवजही का शिकार है उन्होंने कहा कि सिंध हुकूत को सूबे खा देकर इसको दोबारा रोशनी और खुशियों का शहर बनाने की जरूरत है पंजाब हुकूमत की तरफ से शहरियों को अच्छी खदम करने के लिए तरक्याती प्रोग्रामों के तहत जिला ओकाड़ा की तहसील रिनला खोर्द के दो वार्ड में दो करोड़ इकतालीस लाख रुपए की लागत से गलियों की पुख्तगी का काम मुकम्मल किया गया है पंजाब के सूबाई वजी जंगली हयात तो और माहि परवरी सैयद शमसान अली बुखारी इस पर क्या कहते हैं बता रहे हैं रिनला खोद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ इस वक्त हमारे साथ वजीर शमसाम अली बुखारी मौजूद हैं उकाड़ा में तरक़्िया कामों के हवाले से हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे अलहमदिल्ला ये को पिछले पचास साल से सड़क का कोई हाल नहीं था और ये टफ टाइल लग गई है और ये हो गया इसके बाद आ गई इसकी मुलका सड़क है चूचक रोड वो इन श्ला जल्द अज जल्द आ रही है और रीनला में फिर एक रिनला का पैकेज आ रहा है जिसके बाद हम तमाम दोस्तों के साथ मिल के यहाँ पर बहुत सारा काम करेंगे फिर ये एक ऐसा खिता है कि जहाँ हेपीटाइटस के मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है तो हॉस्पिटल हम एक जदीद फैसिलिटीज़ के ज़्यादा यहाँ ला रहे हैं और वो भी आप देखेंगे कि अनकरीब हो जाएगा और उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो हो जाएगी इन भारतीय रियासत अमृतसर के इलाके खासा में भारतीय पैरामिलिट्री बॉर्डर सिक्योरिटी जख्मी कर दिया अमृतसर के, के, के गांव खासा में कायम बीएसएफ कैंप में मेस में गोलियां चलने के बाद फायरिंग करने वाले कांस्टेबल समेत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पांच अहलकार हलाक हो गए हैं बीएसएफ ने एक बयान में कहा कि एक सौ चवालीस बटालियन हेडक्वार्टर पर कांस्टेबल सत्याप एस की फायरिंग से पांच बी एस एफ एहलकार जख्मी हुए जबकि वाकई में सत्याप एस भी जख्मी हुआ बयान में कहा गया है कि छह जख्मियों में से सत्यापस समेत पांच जान की बाजी हार गए जबकि एक की हालत नाजुक है गुज्ता रोज मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद सात अफराद जाम हाक हो गए गुजस्त २४ घंटे के दौरान कोरोना के सैंतीस हजार छह सौ इकसठ टेस्ट किए गए जिनमें से सात सौ पचपन मुस्बत आए मुल्क में मुस्बत केसेस की शराब दो फीसद रिकॉर्ड की गई आठ सौ तो इक्कीस अफराद की हालत तश्वीशनाक है कौमी वैक्सीनेशन मुहिम में अहम संगे मील अबूर कर लिया गया विफाकी वजी बरए मनसूबाबंदी यासद उबर ने अपने ट्वीट में कहा कि अब तक दस करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई है जबकि बारह करोड़ सत्तर लाख से जायद अफराद कोरोना वैक्सीन की कम अज कम पहली खुराक लगा दी गई है नाजिन आपको यहाँ पर ये यह बताते चलें कि शहर कायद में तीन रोज़ तक जारी रहने वाले कराची लिटरेचर फेस्टिवल ने जहाँ इल्म अदब के मोती बखेरे वहीं शहर की अदबी और ाफती में मेंबाद बहार का एक झोंका भी आ गया मजीद कुछ खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि लाहौर में जारी फैज़ मेले का आज तीसरा और आखिरी रोज है आर्ट थिएटर ड्रामा मुसवरी और अदब से ताल्लक़ रखने वाले मुल्की और गैर मुल्की मंदूबी बड़ी तादाद में मेले में शरीक हैं फेस्टिवल में फैज़ की शायरी अदब और तख्लीक पर प्रोग्राम्स मुनक़द हो रहे हैं अपनी नुमाइश और वजर आजम इमरान खान के विजन क्लीन एंड ग्रीन मनसूबे के तहत जिला पाक पतन में शुजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है मजीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट पाक पतन से पीटीवी के नुमाइंदे मुनीर अहमद से उनकी इस रिपोर्ट में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक सरसब्जो शताब पाकिस्तान के तहत पाक पतन में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज इंसाफ के एम पी ए फरक मुमताज माने का मैडम एम पी ए पाक पतन और डिप्टी कमिश्नर एहल सोहेल कैफी ने महकमा हेल्थ के पार्क में पौधा लगा कर किया हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन है और उसके मुताबिक पूरे मुल्क में पिछले तीन साल ऐसी बहुत ज्यादा तो जा रही है तो अब ये मौसम बाहर आ रहा है इसमें हमने आज ये चजरकारी मोम का इफ्त किया है जिला पाकपत्तन में तकरीबन दस लाख पौधे लगाने का टारगेट महकमा जंगलात को दिया गया है जो